मथुरा कोतवाली के कृष्णा नगर पुलिस चौकी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने चौकी के भीतर ही एक युवक का गलेवान पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। मामला जानकारी में आने पर पता चला कि पारिवारिक कलह के चलते दो सगे भाई योगेश और सत्येंद्र में झगड़ा हो गया और बड़े भाई योगेश और उसके माँ बाप पर छोटे भाई सत्येंद्र उसकी पत्नी साक्षी के साथ मारपीट करने का आरोप है। सत्येंद्र की सास प्रीति गुप्ता को जब झगड़े की जानकारी हुई तो वो कृष्णा नगर पुलिस चौकी जा पहुंची और उन्होंने आरोपी योगेश पर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी बढ़ते देख पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। प्रीति गुप्ता ने जहां पूरे मामले की जानकारी दी वहीं साक्षी ने आप बीती बताई और वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम प्रीति गुप्ता। प्रीति, क्या मामला है, किस बात को लेकर? मामला ये है सर, मेरे हस्बैंड नहीं है, 14 साल हो गए मुझे बिना हस्बैंड के रहते हुए। मैंने छोटे छोटे बच्चों को पाला, इनकी कॉलोनी में मैं रहती थी, इन्होंने मेरी मजबूरी देगी और इन्होंने इस लड़की का हाथ अपने हाथ में मांग लिया। आपकी बेटी का? हाँ, मेरी बेटी का। मेरे से इन्होंने डिमांड रखी थी 5 लाख रुपए की, मैं 5 लाख रुपए नहीं दे पाई इनको। इन्होंने समाज से शादी की, समाज से शादी करने से बाद में ही इन्होंने मुझ में और इनमें ऐसी चलती हुई आई है। मेरी लड़की को इन्होंने इतना सिखा पढ़ा दिया, लड़की इनके ही गुनगाने लगी। उसके बाद में 2019 में ये दूसरी बार मैं थाने में लेकर के लड़की को आई हूँ। 2019 में योगेश इसका बड़ा बेटा, कृष्णा अग्रवाल का बड़ा बेटा और सत्येंद्र, कृष्णा अग्रवाल आपकी बेटी की सास है? हाँ, बेटी की सास है। कृष्णा अग्रवाल का बड़ा बेटा, क्या नाम है उसका? योगेश अग्रवाल। अच्छा। लक्ष्मण अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, ये सब मेरे घर पर आए, इन्होंने मेरे में मारा पिटाई की, मैंने थाने में FIR की। मैं कम्प्रोमाइज करके मैं अपनी लड़की को, मुझे द्वारा से लड़की को ले गई, जिसमें 8-10 15-16 के समथिंग में मिशन पॉसिबल NGO से भी हूँ जिला अध्यक्ष। अब ये लगा लीजिए, डेली पढ़े तो इनकी डिमांड पूरी करनी है कि कभी कुछ ले करके अपनी माँ से, कभी कुछ ले करके अपनी माँ से। लड़की को न्यारी कर दिया, अब आज इस लड़की को मारा है, जमाई को भी मारा मेरे को, लड़की को मारा सुसर ने, जिठानी ने और योगेश अग्रवाल ने और सास ने। सास यहाँ करके पुलिस चौकी पे आकर के ड्रामा कर रही है। ये कृष्ण बिहार में रहते हैं, मैं BSA कॉलेज पर किराए के मकान पर रहती, मेरा कोई करने वाला नहीं है, नाइट ड्यूटी करती हूँ, डे में मैं अपनी दुकान संभालती हूँ, दिन और रात में मेहनत करके अपने बच्चों को मैंने बड़ा किया है। 14 साल 20 साल की लड़की की मेरी मट्टी खराब करके रख दी। क्या चाहती हो आप? मेरी, मैं ये चाहती हूँ मेरी लड़की अलग रहे, स्वस्थ रहे और कोई टेंशन बाजी ना हो, जिससे मेरे पे रोज रोज के ड्रामा बाजी। अभी तीसरा ये केस है मेरे आगे, ये तीसरा चौथा केस है। ये लोग क्यों मारते हैं? बेटा मेरा 16 साल का है, ये क्यों मारते हैं? दहेज के ऊपर मार रहे हैं ये लोग। और आपका जमाई कुछ नहीं बोलता? नहीं, अब बोला जमाई, आज बोला जमाई, जबकि जमाई को मारा गया है। क्या लेकर के ससुराल से पैसे वैसे लेकर के? साक्षी, क्या है पूरा मामला? जो अभी मम्मी ने बताया था आपको, वही बैठा था सब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। सास ससुर और देवर मारते हैं? देवर नहीं, मेरा जेठ है, जेठ जिठानी सब मुझे मारते हैं। और आपके पति? मेरे पति कुछ नहीं कहते, पहले ही मेरे पति से भी मुझे पिटवा दी थी, मैं सीजर की थी, इसने मुझे बहुत बुरी तरह से पिटवाया। अभी मेरा 2 महीने का बेटा है, पेट में लात मारी थी, इसने बहुत पिटवाया था मुझे।